हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू रोन चैनल शबी रॉक्स तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज मैं एक्चुअली थोड़ी सी बात करने आई हूँ आप सभी के साथ आ, आप सब जब से कि जानते होंगे कि प्रियादीप एक चैनल है प्रियादीप ब्लॉग्स करके भी है और उनका एक मेकअप चैनल भी है और बहुत ही अच्छी हैं वो आ, आप सब उनको वेल नोन है वो और उनकी पिक मैं यहाँ कहीं लगा दूँगी ताकि आप उन्हें पहचानते तो हैं ही बट अगर आप नाम से ध्यान ना रहा हो तो उनको आप देख लो ले पहचान लें तो उनका अक्सर वीडियोस में वो करती हैं उनके जो ब्लॉग्स आते हैं उसमें वो बताती हैं कि उनके ससुराल में काफ़ी जो अगल बगल के लोग हैं काफ़ी उन्हें परेशान करते हैं उनको बैड कमेंट्स करते हैं तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि रीज़न क्या है इसके पीछे क्या हो सकता है उसके पीछे रीज़न तो रीज़न देखिए सिर्फ़ और सिर्फ यही हो सकता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भी इंसान ऊंचाइयों को छूता है अपनी मेहनत से किसी चीज़ को पाता है मान लीजिए हम सब हैं हम सब के बीच बहुत सारे लोग हैं हम सब इक्वलिटी में हैं एक जैसे हैं एक घर में रह रहे हैं एक ही जैसे सिचुएशंस में बट अगर मैं अपनी मेहनत से ग्रोथ करके ऊपर चली जाती हूँ तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान को जेलस होती है उसे लगता है कि भाई उस बंदे ने वहाँ तक पहुँच गया और फिर वो चाहता है कि उसे वो नीचे ले आए तो वो नीचे लाने के लिए बहुत सारी कोशिश करता है जो वो कर सकता है बट कोई भी इंसान ये नहीं देखता है कि कोई भी इंसान जो सेम कैटेगरी में थे जैसे दस लोग हो गए सेम कैटेगरी में है बट एक ही इंसान ऊपर जाता है एक ही इंसान ऊंचाइयों को छूता है तो लोग ये तो देखते हैं कि अरे वो तो अब काफ़ी बड़ा आदमी बन गया या एक आ, सेलिब्रिटी बन गया है या किसी अच्छे हाई एंड पोजिशन पर पहुँच गया तो उसमें बहुत घमंड आ गया है ये बहुत सारी निगेटिविटी उसमें देखते बट ये कोई नहीं देखता है कि वो बंदा वहाँ ऐवे नहीं पहुँचा उसने बहुत सारी मेहनत की है बहुत हार्ड वर्क किया है जिस वजह से वो वहाँ जा कराया है तो उसके पीछे जाने जाना जो होता है वो हार्ड वर्क होता है ऐसे ही वो नहीं जाता है तो ये हार्डवर्क जो है वही इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है तो बिट्टी किसी तरह प्रियादीप मैम के साथ होता है वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं छोटे से शहर की हैं गांव की लड़की हैं बट वो इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं लाखों लोग उनको देखते उन्हें बहुत पसंद करते हैं तो उनके ससुराल के आस के लोग जो हैं उनकी इस मेहनत को नहीं देखते बल्कि उन्हें लगता होगा अरे भाई गाँव की बहू है बट देखो कहाँ पहुँच गई है कैसे रहती है उससे लोग असल में जलते हैं रियलिटी यही है कि हमको जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम दूसरों की चीज़ों को देख के चलते हैं जो बिल्कुल सरासर गलत है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए भले हमें ये देखना चाहिए कि इंसान ने कितनी मेहनत की और उसके मेहनत से मोटिवेट होना चाहिए उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए और जब आप पॉजिटिविटी लाएंगे ना जब आप किसी और की पॉजिटिविटी देखेंगे जब आप किसी में अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो अपने आप आपके आस इतनी सारी अच्छाइयाँ हो जाएंगी कि जिस तरीके से प्रियादीप मैम इतनी आगे पहुंची जस्ट लाइक दैट आपके घर की बेटी बहुएं आपके घर के बेटे भी मे बी उनसे भी ऊंचा चले जाए बट उसको उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी किसी और से जलन करके या किसी को ताने देके कमेंट्स करके आप कभी ऊंचा नहीं हो सकते तो मेरा तो बेस्ट ऑफ लक है आ, प्रिया देव जी को और मैं सच मुझे उन्हें बहुत पसंद करती हूँ उनकी सारी चीज़ें देखती हूँ और मुझे सबसे अच्छी बात उनकी यही लगती है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं गांव से रह रहे हैं और समाज का मतलब देखिए फैमिली आपके साथ है समाज आपके साथ है वो आपको बूस्टअप करती है तो आप बहुत ऊँचाइयों को छूते हैं बट जहाँ बहुत सारी बैरियर्स हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको हर चीज़ पर ताना करते हैं या आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं तो उन बैरियर्स बीच में आप अगर आगे जा रहे हैं थोड़ा भी आगे बढ़ना तो वो तो बहुत बड़ी बात है और वो तो बहुत आगे चली गई हैं तो बैरियर्स के बीच में मतलब उल्टी हवाओं में भी जो इंसान अपने नाव को चला ले और किनारा पार लगा ले तो उससे बेहतर कोई नहीं तो प्रिया देव आपको बहुत बहुत सलाम है मेरे दिल से एंड कीप ग्रोइंग मैं यही चाहूँगी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे प्रियादेप मैम को आपने इतना प्यार दिया इतनी मोहब्बत दी है बिल्कुल वैसे ही कोशिश मेरी भी रहती है कि मैं बेहतर वीडियोज़ कुछ डेवाइज मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं कुछ मेकअप लिंक्स भी है कुछ व्लॉग्स भी है तो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और आपको लगता है कि आपको मुझे भी एक चांस जोर देना चाहिए एक बार देखना चाहिए तो प्लीज स्टेट इन विद मी और प्लीज आप मेरी दूसरे वीडियोज पर जाकर के देखें और अगर आपको जरा भी वैल्यूएबल लगे अच्छा लगे तो उसे कॉन्टिन्यू करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है वो आपके लिए उसमें कोई पैसे आपके नहीं लगते हैं सिर्फ आपको एक टैप करना है बट वो एक मेहनत करने वाले के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है बिल्कुल वैसे आपका एक सब्सक्रिप्शन या आपका एक अच्छा सा कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे भी मोटिवेट करेगा साथ साथ ऐसे हर इंसान को मोटिवेट करेगा जो कि कुछ बेहतर करना चाहता है अच्छा करना चाहता है तो आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई हो तो स्टेट बाय